सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सू डिज़ाइनिंग। और यहाँ पर आपको जिससे पता है कि आज हमारा प्रोग्राम है बेबी के जन्मे का, तो उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर उसके लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसके लिए शूज़ बना रहे हैं जिसमें हम उसके हेयर एसेसरीज़ रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किस तरीके से बनाया, तो ये थर्माकोल की शीट लेके हमने उसका बेस तैयार किया है और इसके अंदर पेपर्स वगैरह बॉल्स बनाकर हम इसको पूरा कम्प्लीट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसका जॉनसन हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करा है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बेबी के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कौन सा सबसे बेस्ट रहता है। देन इसके फुटवेयर्स वगैरह रखने के लिए, सॉक्स वगैरह रखने के लिए ये मैंने कोन बनाया है, इसके अंदर भी मैंने थर्माकोल भर दिया है। सो कुछ इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल देती है। और फिर यहाँ पर बेबी शूज़ लिखने के लिए मैंने स्पार्कल यूज़ करा है और कुछ इस तरीके से उसके हेयर एसेसरीज रख के और उसको डन कर दिया। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पैकिंग नहीं कर पाए, बट हाँ, स्टिल फिर भी अच्छी लग रही है। देन इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकलाए थे जिसको हमने कट करके उसके ड्रेसेस वगैरह में अटैच कराया। तो ऑल इन ऑल सबके सपोर्ट से बहुत कुछ कर पाए, वरना अदरवाइज मैं अकेली नहीं कर पाती। और जैसे ही इनको पता चला कि यहाँ वीडियो शूटिंग हो रही, तो फटाक से दोनों लग गए काम पर, अदरवाइज़ ये दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी फ़ोटो पे स्टिक लगा के इसको डन कर दिया है और हमारे सारे गिफ्ट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब इसको हम तैयार कर लेंगे और इसको इसकी प्लेस पे पहुंचा रहे। तो प्रोग्राम जो कि है वो हमारे घर से ही हो रहा है, तो सबके साथ से सपोर्ट से बहुत सारे गेस्ट आ गए थे और खूब मज़े मस्ती करके हम ये सारा काम कर रहे थे। तो होपफुली गाइज, आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारी सारी पैकिंग डन हो के और यहाँ पर हमने वन बाय वन इसको जमा दिया था और ये कुछ इस तरीके से लग रहा था। गाइज, मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना, वो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी और डिलीवरी में मेरा जो टाइमिंग हो गया है 1.5 महीने का, उसमें मैं कैसे अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, आई मीन जो मेरा पेट बढ़ा हुआ है उसको कैसे लूज़ कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ, कैसे मेरा डेली का रूटीन है, बेबी का रूटीन कैसा है, वो XYZ में सारा शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखनेगा, वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं। सो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी, डेकोरेशन वगैरह सब चल रहा था, क्योंकि प्रोग्राम घर पे ही है तो यहाँ पर सारा सामान आ रहा था और हम वन बाय वन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। पानी नहीं आया था इसलिए प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, सब ने खूब मज़े मस्ती करे। और आपको ज़रूर बोलूँगी कि जिसने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और Instagram पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर करूँगी। और एक चीज़ और, मेरे बेबी के लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या नाम रखा जाए। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी कर रहे हैं, सॉरी पंडित जी नहीं, बामन जी कर रहे हैं काजू कतली की तैयारी, जो कि केसर कतली बनाने वाले हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको भी आती है क्या केसर कतली बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लोंजी बन रही है, उसके बाद केसर कतली की तैयारी चल रही है और वन बाय वन सारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है। और इसके बाद मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने मेहंदी वगैरह लगवाई थी। तो ये काजू कतली हमारी बन के तैयार हो गई है और ये मैंने इस तरीके की कोई सिंपल सी मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वे में मेहंदी लगा कर इसको डन कर ली थी। प्रोग्राम घर पे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है और सब घर पे ही एक माहौल अलग सा ही बन जाता है। सिंपल तरीके से ही हमने प्रोग्राम को करा था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है जहाँ पर सब तैयारियाँ चल रही है, फाइनली अब खाना बन रहा है, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए व्यस्त हैं। पानी अभी तक आया नहीं है, बट प्रोग्राम के बीच में क्या पता पानी आ भी सकता है, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर लगभग 9:30 बजे तक ये सब काम चल रहा था और थोड़ी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ इस तरीके से हम भी रेडी हो रहे थे, दवाई खाते खाते हम रेडी हो रहे थे। इस दवाई को खाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे ये दवाई बनती है और क्या, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और सारे हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं और प्रोग्राम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ हमारा बेबी का फ़ोटोशूट चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम घर से निकल रहे, क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो यस, वी ऑल आर रेडी एंड बस हम जाने ही वाले हैं। आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप लोग भी इसी तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। और अब
अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए ये एक्चुअली 27 डेज़ में हमारे यहाँ सूरज जलने का प्रोग्राम होता है। सूरज का प्रोग्राम मेरा 7 दिन में हो गया था, बट जलने का प्रोग्राम हमारा 27 डेज़ में होता है, जहाँ मैं मंदिर जाऊँगी और अपना सुतक एंड ऑल सब निकल जाएगा, फिर मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। और कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो हम मंदिर पहुँच गए हैं और इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। तो सिंपली तरीके से इस तरीके से हमने यहाँ करा था। और प्लीज़ आप मुझे बेबी का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया, कोई लेटेस्ट कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट नहीं है, बट यू कैन सजेस्ट मी बेस्ट नेम एंड यूनिक नेम। सो यहाँ मंदिर से वापस घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद अब वही प्रोग्राम रहेगा। सब एक दूसरे को सब गिफ्ट्स वगैरह जो भी लाए होते हैं वो बाबू को देते हैं, हमें देते हैं, फैमिली का जो भी रहता है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक रस्म होती है हमारे यहाँ पर, मुझे नहीं पता अदर साइड होती कि नहीं, साड़ी में इस तरीके से बच्चे को रख कर और उसे बेबी को हिलाया जाता है, झूला दिया जाता है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसी तरीके से होती है। तो ये एंड फंक्शन है हमारा, मतलब लास्ट प्रोग्राम की एंडिंग आ चुकी है। और उसके बाद एक और ऐसा रहता है कि जब जलमा रहता है उस दिन 5 लेडी से मिलकर मुझे खाना खिलाते हैं, मतलब 5 कवे, तो ये सारी चीज़ें मुझे खिला रहे थे 5 लोग मिलकर। और बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से मैंने सिर्फ गिलकी की सब्ज़ी और वो फीका फीका खाया था, तो टेस्टी खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी जरूर बताइएगा कि कुछ इस तरीके का आपके यहाँ होता है। और मॉर्निंग में ये करने के बाद शाम को ऐसा होता है कि हमें किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाके खाना खाना रहता है। और ये इस तरीके से मैं अपने बड़े पापा के यहाँ गई थी और इस तरीके से उन्होंने खाना खा के और ये सब करते हैं। तो ये भी आपके यहाँ रस्म होती है या नहीं होती है। फाइनली अब मेरा सूतक पूरी तरीके से एंड हो चुका होता है। चावल और दाल देते हैं, मूंग की और बिछा वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं, बेबी को भी गिफ्ट वगैरह देते हैं, और फाइनली अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था, इस तरीके से हमारे यहाँ जलमे का प्रोग्राम मनाया जाता है। और काफ़ी मज़ा आया गाइस, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, पर जितना भी हो पाया होपफुली आपको ज़रूर बताया मैंने। और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर आप वेट कीजिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस तरीके से ये हमारी स्वीट सी मेमोरीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, और बेबी का नाम ज़रूर बताइएगा, बेबी गर्ल। थैंक यू।